Hey guys, welcome back to my channel. This is Smita Singh. So in this video, I'm going to show you three Jugadu Navratri outfit ideas. So without any further delay, let's get started. तो यहाँ पर मैंने मेकअप एंड हेयर ऑलरेडी कर लिया है एंड नेल पेंट वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया है एंड ड्यूई मेकअप किया है मैंने बिकॉज आई लव ड्यूई रादर देन मैट एंड हेयर इज़ द फर्स्ट लुक. ये जो घाघरा है ये मैंने लिया था अहमदाबाद से लॉ गार्डन से एंड ये ब्लाउज़ मैंने अमेजोन से लिया है और इसमें जितनी भी आप लेसेस गोटा और ये लटकन वगैरह देख रहे हो ये मैंने खुद खरीद के लगवाई हैं इसको थोड़ा सा रिच और नवरात्रि अप्रोप्रिएट बनाने के लिए अदरवाइज़ वो बहुत फीका लगता तो आई रियली लव्ड इट. एंड फिर मैंने ये लोकल मार्केट से दुपट्टा लिया और इसमें भी चारों तरफ लेस लगवा ली दो तरफ जस्ट वो ट्रायंगुलर वाली समोसे वाली भी बोलते हैं एंड दो तरफ ये चौड़े वाली लेस एंड आई रियली लव्ड इट क्योंकि मैं इंडिया गई तो मैं चनिया चोली खरीदने का सोच रही थी इतनी एक्सपेंसिव थी एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड सो मच मनी इन चनिया चोली क्योंकि वो हम एक ही बार पहन के रख देते हैं और फिर हम कभी पहन भी नहीं सकते. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जुगाड़ू एक कोई आउटफिट बनाऊँ. जैसे ही मैंने ये मार्केट में स्कर्ट देखा और बस मेरे दिमाग में आ गया एंड फिर मैं बस करती गई और मुझे मिलता गया सब कुछ जैसे अमेज़ॉन से ब्लाउज़ मिल गया लोकल मार्केट में दुपट्टा मिल गया एंड आई क्यूरेटेड दिस ब्यूटिफुल लुक एंड इन लो बजट में सीरियसली यू विल गेट ऑल द प्राइजेज हर चीज़ के प्राइजेज मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी सो यू विल गेट इट. एंड मैंने जो ज्वेलरी है ये रिंग है ये मैंने लिया था लॉ गार्डन से ही एंड ये चोकर मैंने कोलाबा से लिया था और ये नोज़ पिन तो मेरी काफ़ी पुरानी है और मैंने सबसे बड़ी वाली पहनी है क्योंकि नवरात्रि है ना तो थोड़ा ज़्यादा तो बनता है. और कैमरा मैन यहाँ पर मेरी हेल्प करते हुए ये इयररिंग्स देख रहे हो ये भी मैंने अहमदाबाद से ही लिए थे ये थोड़े हाफ ईयर कफ टाइप है एंड आई जस्ट लव्ड दोज इयररिंग्स. सो या दिस इज़ द होल लुक आई जस्ट लव्ड इट कि मैंने इतने कम पैसों में इतना अच्छा लुक क्रिएट कर लिया और मैं इसे बार बार पहन सकती हूँ अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ और या ब्लाउज़ को आप अलग साड़ी पे पहन सकते हो घाघरे को अलग उस पर पहन सकते हो दुपट्टा तो मल्टीपर्पज़ है ही. सो या जस्ट इन्जॉय द लुक. सो फॉर द सेकेंड लुक मैंने केवल ब्लाउज़ चेंज किया है केवल आपको ये दिखाने के लिए कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ब्लाउज़ भी खरीदें आपके पास कोई भी रेड या ब्लैक सिल्क में या कॉटन मटेरियल में ब्लाउज़ है बस यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल विद द फैब्रिक. एंड यहाँ पर मैं पहन रही हूँ झांझर जो कि मुझे बहुत पसंद है ये भी मैंने अहमदाबाद से ली थी एंड टैटू लगा रही हूँ क्योंकि ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिए थे रैंडम अमेज़ॉन फाइंड वाली वीडियो में आपने देखा होगा कितना सुंदर टैटू आया है ना आई जस्ट लव्ड इट. मैं नवरात्रि के लिए ही एक्चुअली लिया था मैंने एंड मैं एक टैटू से सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दूसरा लगाऊं और मैंने फिर एक दूसरा भी टैटू लगाया अपने हाथ में. और ये जो इयररिंग्स हैं ये भी मैंने अहमदाबाद से लिए थे एंड लुक एट दिस टैटू जिसकी मैं अभी बात कर रही थी हाथ वाला दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. बहुत मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए और शूट का टाइम हो रहा था तो या बट बहुत ही सुंदर निकल के आया. हाँ तो मैं घाघरे की बात करी थी कि अगर आप घाघरा खरीदें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि पहली बात तो मोस्टली कॉटन का लें और दूसरी बात बेसिक कलर्स लें या तो रेड ब्लैक बेज या फिर ब्लू क्योंकि इनके ब्लाउज़ आपको सबके पास मिल ही जाएंगे जनरली. तो हाँ तो केवल ब्लाउज़ चेंज करने से ही और चोकर चेंज करने से ही एक देखो लुक बिल्कुल चेंज हो गया घाघरा एंड दुपट्टा वही है. सो या बस यही दिखाना था कि आप इसको मल्टीपल तरीके से कैरी कर सकते हो. सो या एंजॉय द लुक. कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी बात करनी
एंड थर्ड लुक के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट किया है. ये मैंने कैन स्कर्ट पहना हुआ है नीचे और अपना वही ब्लैक ब्लाउज पहना है. ट्रस्ट मी, एक अच्छे ब्लैक ब्लाउज में आप इन्वेस्ट करो, बहुत काम आने वाला है. एक ब्लैक एंड मरून बहुत काम आने वाले हैं ये. और एक कैन का स्कर्ट भी अगर ले लोगे तो आपको बहुत काम आएगा. एंड ये मेरे पास एक ब्रोकेट का स्कर्ट पड़ा हुआ था जो कि मैं इस कैन के ऊपर पहन रही हूँ. और ये भी मैंने रिसाइकल किया है. एक्चुअली ये साड़ी थी जिसका मैंने एक स्कर्ट बनवा लिया, क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट. एंड ये भी बहुत बहुत मैंने पहना है, बहुत पहना है ये मैंने स्कर्ट. एंड लुक एट इट, लुक एट द घेरा, कितना प्यारा लग रहा है ना. हाँ, और एक चीज़ और, वो जो लहंगा था ना, जब भी आप घाघरा खरीदे तो एक बात और ध्यान में रखें कि उसका घेरा फ्लेयर बहुत ज़्यादा हो, नहीं तो वो बहुत ही गंदा लगेगा. फ्लेयर बहुत ज़्यादा हो तभी आप खरीदें, वरना मत खरीदें. अमेज़ोन पे बहुत कम फ्लेयर के मिल रहे हैं. सो या इस लुक पे आते हैं. थर्ड लुक में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है. एक्चुअली ये मेरी शादी की बांधनी रखी हुई है जिस पे मैंने फेरे लिए थे, तो इस साड़ी को मैं एक एक प्लीट्स लगा के टक इन कर रही हूँ. बेसिकली मैं लहंगा स्टाइल में साड़ी पहन रही हूँ, उसको बस थोड़ा रैप करूँगी लहंगा स्टाइल में. एक एक प्लीट करके मैंने अंदर टक इन किया और उसके बाद ऐसे प्लीट्स बना के और आगे से पल्ला ले लूँगी, जैसे हम उल्टा पल्ला लेते हैं वैसे. और इसको थोड़ा सा अच्छे से प्लीट्स वगैरह अच्छे से बना लेंगे, पल्ला भी ठीक कर लेंगे. ये थोड़ा, ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था ये लुक, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एग्जीक्यूट कैसे होगा. बट जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा लेट्स मेक द वीडियो. एंड क्योंकि जो जिनकी जिन लड़कियों की नई नई शादी होती है, उनके पास चनिया चोली वगैरह अगर नहीं है, तो आप अपनी कबर्ड में से बांधनी, लहरिया, अजरक, पटोला प्रिंट, इनकी साड़ियाँ निकालिए, कैन स्कर्ट पे पहनिए एक लहंगा स्टाइल में, एंड यू विल लुक गॉर्जियस. बट आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़े से बल्कि हैं तो आप स्कर्ट ऐड ना करें, क्योंकि नहीं तो वो आपको वॉल्यूम को और बढ़ा देगा और आप बहुत बल्कि लगोगे. और ये मैंने फेक सभ्यसाची का बेल्ट लगा लिया है, फेक है बेल्ट. एंड बट बहुत प्यारा लग रहा है लुक. और नीचे से वो जो स्कर्ट दिख रहा है वो मैंने डेलिबरेटली दिखने दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा एसिमेट्रिकल लुक चाहिए था. एंड या सो दिस इज़ द लुक. मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी, लेकिन मेरी शादी हो रही है, ये ना लगे मैं गरबा में जा रही हूँ, इसलिए मैंने ये पोनी बना ली ताकि वो गरबा अप्रोप्रिएट लगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मेरी शादी हो रही है. सो या मैंने पोनी बना ली, स्लीक पोनी, एंड वही नोज पिन पहन ली. एंड हम चोकर पहनेंगे, सारे एक्सेसराइज करेंगे इसे अच्छे से. एंड लुक एट दिस, मतलब यार मज़ा ही आ गया. जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, मुझे इतना मज़ा आया, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों में दिमाग लगाना बहुत अच्छा लगता है. और ये डुअल टोन की चूड़ियाँ आपने देखी होंगी, ये सब मैंने मिक्स एंड मैच करके डुअल टोन की, कुछ सिल्वर है, क्योंकि जो मेरी साड़ी है ये पूरी गोल्डन टोन की है, इसलिए मैंने कुछ सिल्वर एंड गोल्डन दोनों ही टोन रखे हैं, ऑक्सीडाइज्ड एंड गोल्डन दोनों ही टोन रखे हुए हैं, टू लुक इट, टू मेक इट गरबा अप्रोप्रिएट. सो आई जस्ट loved it. I love the look, seriously. Actually, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटो है कि हमें रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल पे बिलीव करना है, और हर ओकेजन पे कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है. तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड हर बार ऐसा लगेगा कि आपने नया आउटफिट लिया है. सो या इंजॉय द लुक. आई होप ये आपको तीनों आउटफिट्स अच्छे लगे होंगे और आप भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने नवरात्रि आउटफिट के लिए यहाँ से. एंड थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप खुद यू नो इनोवेटिव हो सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो, विदाउट बाइंग माइंडलेसली. इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बेटर है कि जो भी एग्जिस्टिंग हमारे पास पीसेस हैं उन्हीं से मिक्स एंड मैच करके हम कुछ यू नो यूनिक और कुछ नया बनाएं. एंड हर बार ऐसे स्टाइल करें कि जैसे हमने नए कपड़े पहने हो. सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय.